और फिर मौला ने मुझे एक ऐसे मुहक्किक की किताब भी भेज दी जो थी मेरे पास पता नहीं कब से, खुद उन्होंने मुझे दी थी कराची में, लेकिन जो बाज़मीर खतीब थे उस किताब से भी मैंने इस्तेफादा कर फल लगे। हमें कहना चाहिए मेजबानों को, मोहल्लिन को बताना चाहिए कि आप मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करें। तो आज मैं चाहता, अगर जो मुझे पाबंदी बनाया गया, लेकिन मैं ऐलान भी जो किया था 1500 शादी मौजूद थे, वो इसलिए किया था कि आज हमारे अपने भी आज़ादारी में कीड़े निकाल रहे हैं, नाराज हो ये बात। वो बज़ाहिर तो अपने हैं लेकिन अपने कैसे हुए, हमें जो मर्जी कह लेते, मौला के बारे में जो बात करेंगे, यानी अलम के बारे में बातें, सुलझना के बारे में बातें, झूले के बारे में कह रहे हैं, के बारे में मेहंदी शहजादा कासिम के बारे में बातें, और यहाँ तक के कसर शबीर, कसर मुतालिब, कसर जहरा, जितने बड़े बड़े कसर हैं बारगाहें हमारी, उन सब के बारे में बातें। किताब मेरे पास है, वो अगर किसी देखनी है, नाम लेना नहीं चाहिए मेम्बर पर किसी का, ये हमारी आज़ादारी की तोहीन है किसी का नाम लेना, लेकिन ये जहन में रहे कि कमर जैदी हो या कमर जैदी का बाप, जो भी आज़ादारी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। मौजू पे आ रहे हैं फौरन, कुरान ने कसम खाई, वल आदयात ज़बहन, कसम है, कसम कौन खा रहा है, जिसे कसम खाने की जरूरत ही नहीं, जिसे कसम खाने की जरूरत ही वो कसम खा रहा, मैं अल्लाह कसम खा रहा, वल आदयात ज़बहन कसम है सराटे भरने वाले घोड़ों की, मैदान में तेजी के साथ दौड़ने वाले घोड़ों की। किस मैदान में? मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि ये आम खेलों की दौड़ वाले घोड़े नहीं है जिनकी कसम खाई, ये कौन से घोड़े हैं? ये वो घोड़े हैं जो हक की नुसरत के लिए मैदान जहाद में दौड़ते हैं। फल मुर्यात कदहन, और अपनी टापों को जमीन पे मार के चिंगारियां निकालते हैं। फल मुग्रात सुभन, सुबह को छापे मारते हैं। नकन, ये है कौन? ये इतने अजीब घोड़े के जो सुबह को जमा हो जाते हैं छापे मार, दुश्मन की सफों में घुस जाते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ये तारीफ घोड़ों की है, अब इंसान के बारे में इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान जो है ये अपने रब का नाशुकरा है। इन्नहु अला ज़ालिकल शहीद, इस बात पर खुद भी गवाह है, ये नहीं कि कमरदी कह रहे, आप कह रहे हैं, इरशाद शाह कह रहे हैं कि कुरान कह रहा है ये इंसान अपने रब का, अपने रब का अपने पालने वाले का नाशुकरा है। वो इन्नहु लहुल खैर लशदीद, क्यों? अगली बात सुने, ये बात सुन ली तो आपको फरसैदा समझ में आ जाएगा। वो इन्नहु लहुल खैर लशदीद, और ये बेशक यकीनन ये माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, दुनिया के माल से ज्यादा मोहब्बत, ये लालची है दुनिया का। ये कुरान की आयात है जो सूरह आदियात से मैंने आपको तलावत की है। अब अगर एक एक नुक्ते पे बात हो तो पूरा दिन चाहिए, पूरी रात चाहिए, लेकिन मेरे मौला ने फरमाया था पूरा कुरान सिमटे तो नुक्ता बनता है, और अना नुक्ता तो तहतल जागे ना जो से अना नुक्ता तो तहतल बा बे के नीचे वाला नुक्ता में अली ने भी तालीम। जो
ईश्वर जुलझना बनाते हैं तो जुलझना सजाते हैं, जुलझना पालते हैं। मैंने ऐसे ऐसे वाकयात पढ़े, ऐसे ऐसे मोजज़ात हैं इरफान शाह की जुलझना के, बड़ी बड़ी तारीख है। मगर मैं दो या तीन नुक्ते इसलिए बयान करूंगा कि दुनिया को पता चल जाए कि हम मौला की सवारी को ऐसे नहीं चाहते। ये बड़ी वफादार साहब सवारी, घोड़ों की बड़ी अकसाम है, अंबिया के घोड़े। और मैंने एक जुमला पढ़ा तारीख में अलमा का कि ये जो घोड़े थे ये तो प्रवास क्या करते थे, पर थे इनके प्रवास। सबसे पहले घोड़े को कंट्रोल करके जिसने सवारी, वो हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और अंबिया के घोड़े हजरत दाऊद के घोड़े बड़े मशहूर घोड़े, और अरब के घोड़े बड़े मशहूर। बाद लोगों को गलतफहमी हो गई, जब एक नाना ने अपने नवासे को पुश्त पे सवार किया, लोग समय तो खुद बच्चा सवार हो गया था। ऐसे नहीं होता, यहाँ जो अल्लाह चाहता वो होता है। मस्जिद भी आम मस्जिद नहीं थी, नबवी मस्जिद थी, मस्जिद नबवी थी। शहर आम शहर नहीं तो मदीना था, क्या शान है मदीने की। अभी मैं नमाज पढ़ रहा था इरफान शाह जी, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे वो वक्त दिया है जो मेरी मर्जी का वक्त है। लेकिन मैं भी इस चीज़ का एहसास करता हूँ कि जहाँ जलूस हो, जहाँ कई पढ़ने वाले हों, वहाँ पढ़ने वालों को इंसाफ करना चाहिए। तो जितना आप बर्दाश्त कर सके मैं फजाइल पढ़ूंगा, जो रहेगा इंशाल्लाह फिर जब जल्दी रही 19 सफर को फिर पड़ोस में आपके मेरे मजलिस से जो बात रह जाएगी कोशिश और वहाँ हो जाए। लेकिन आज बात होगी मुकम्मल, बेशक मुख्तसर तवज्जो चाहूँगी। दुनिया समझती हम सब कुछ रस्म करते हैं। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, आवाज़ आ रही थी, एक साहब मजलिस पढ़ा खानवेज थे, कहने लगे कि जहाँ इन शहीदों के कदम गए ना वो जगह मुकद्दस हो गई। वो जो नहीं थे उन्हें सुना रहा हूँ, मैं सुन रहा था, सलाम फेरा मैंने नमाज का, तो आवाज़ आ रही थी कि ये मक्के में आए मुकर्रमा हो गया। जो शायर भी है वो शायर भी करता बातें बोला और तहसील दे, ऐसे ऐसे नोहे खानवेज के अपने घर के लोगों की कदर किया। इसलिए कि बी रसम भी नोह पढ़ रहा था, खानवेज मेरे साथ खड़ा था, नोहा बी रसम का पढ़ रहा था, तो मैंने कहा इसको पता नहीं होगा कि इस नोहे का खाली क्या खड़ा होगा। तो आपके धोखे के बड़ी इज्जत, मैं उसकी अजमत का जुमला कहना चाहता हूँ। खानवेज ने खुलूस में कहा, अच्छी बात सब करते हैं, कि मक्के में गए सैयद मुकर्रमा हो गया, जाग रहे हैं वो, मदीने में गए मुनव्वरा हो गया, नजफ में गए अशरफ हो गया, मुअल्ला हो गया, ये सादात ढोक में आए सैयद हो गया। अब कितने सैयद वाले बैठे हैं यहाँ आजकल, अपने अपने मौला हैं, अपने अपने ज़दारी है, माशाल्लाह हर जगह मजलिस है, जुलूस है, जहां भी को जा रहा है वो अजीम है। तो अर्ज ये कर रहा था मैं कि हम घोड़ों की नस्लों को भी जानते हैं, घोड़ों को खानदानों को भी जानते हैं, और जिस घोड़े को हम बरामद कर दे सवारी है हुसैन की, और इस घोड़े को कहां से लाया गया, इसकी नस्ल क्या थी। एक बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हमारे, वो क्या करते थे कि नजीब उत्तरफैन घोड़ा है, क्या है नजीब उत्तरफैन, आपने संयम सुने होंगे घोड़े में। आज बता रहा हूं आपको, पहले आपने सुन रहा बुजुर्गों को, सुन रहा नौजवानों को बता रहा हूं, ये आम घोड़ा नहीं है, और हम हर घोड़ों को मानते भी नहीं। कितने घोड़े गुजरते हैं, आप किसी को सलाम करते, चूमते किसी घोड़े को नहीं ना, इसे क्यों चूमते। अच्छा दुनिया वाले भी, इरफान शाह जी बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं मैं, दुनिया वाले भी हर घोड़े से नफरत नहीं करते। मस्जिदों के सामने से हर तरह के घोड़े गुजरते, हर तरह के घोड़े गुजरते, किसी घोड़े को रोका नहीं जाता। हम भी हर घोड़े को पसंद नहीं करते, हर घोड़े से मोहब्बत नहीं करते,
हर घोड़े को प्यार नहीं करते, हर घोड़े के सुबह को हाथ नहीं लगाते, हर घोड़े को नहीं चूमते, हम भी निस्बत की वजह से प्यार करते हैं। जिसकी निस्बत मौला से हो जाए, मौला की सवारी से हो जाए। मैं यकीन किया, मैं हैरान रह गया किताब में जब मैंने पढ़ा कि घोड़े की जो इज्जत है वो घोड़े की वजह से नहीं, ये तो इसकी सआदत है, ये इसकी किस्मत कह रहे हैं। ये हर घोड़े की ताजीम न करना, हर घोड़े को बुरा न समझना, ये हमारे अपने अपने नसीब की बात है। दुनिया वाले हर घोड़े को बुरा नहीं कहते जिसकी निस्बत हुसैन के घोड़े से, उसकी मुखालफत होती। हम भी उस घोड़े की इज्जत करते हैं जिसने हुसैन से वफा की थी, जिसने हुसैन से वफा की थी। इतने फजाइल हैं, इतने कमालात हैं कि घोड़ा कौन कौन सी दुआएं मांगता है। सुबह के टाइम क्या दुआ, यह हिनहिनाता है ना, जरा गौर कीजिएगा, यह हिनहिनाता है, ये मुंह ऊपर करके सुबह को कोई और दुआ मांगता है, दोपहर में हिनहिनाए और कोई दुआ मांगता है, शाम को हिनहिनाए इसकी कोई और दुआ होती है। इतनी दुआएं मैंने पढ़ी हैं, यकीन करें बयान करने बैठ जाओ आप इंसानों को छोड़ के घोड़े ही का एहतराम करेंगे, लेकिन याद रखना सब का नहीं करेंगे, सब घोड़ों का एहतराम नहीं करेंगे। ये वो घोड़ा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, कौन थे ये मेरे नबी के दादा थे ना, माशाल्लाह सारे पढ़े लोग बैठे दादा थे, उनके दौर की बात है कि उन्होंने यमन में जो बादशाह थे उनकी मदद की थी, उनकी मदद की थी। मदद क्या की थी, मदद ये की थी कि यमन पे कब्जा हो गया, यमन के बादशाह मुसलमान नहीं था, पैगाम भेजा ऐ बेजतुल बलद, ऐ कलीद बरदारे खाने काबा। तारीफ अगर आप बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को बता दूं कि वो हस्ती है कि जिसने अब्रहे के लश्कर को उनकी मर्जी पर छोड़ दी। काबे की चाबी इनके पास थी, अब्रहा आ गया काबे को उठाने के लिए, उसने पूरी कुव्वत के साथ हमला किया, किस तरह कलाशन को फिर नहीं लाया था, वो हाथियों का लश्कर लाया था। और इन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने डेरे में बैठे थे भी आराम से, उन्होंने परवाह नहीं की, जरा मर्जी हो मन की। किसी ने आगे बताया आपके जानवर बकरियां चुरा के ले कब्जा करके ले गए, सरकार ने पैगाम भेजा, कौन था अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी का दादा था, पैगाम भेजा अब रहे से कहा तू जितना बड़ा मर्जी सरनाट हो, जितना बड़ा मर्जी दिलेर और पहलवान हो, मेरे बकरियां वापस कर, मेरे जानवर वापस कर, पालतू जानवर थे मेरे वापस कर। वो बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा रईस है मक्का, हैं मुझसे अपने जानवर मांग रहा है, मुझसे अपने भेड़ बकरियां मांग रहे हैं। उसने पैगाम भेजा उसी कासिद को कि मैं तो समझा था आप इतने रईस इंसान हैं, आपको इन जानवर की जरूरत है, मैं तो आया हूँ काबा और आप काबे के चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, आप कहें काबे के चीफ, आपने मुझसे काबे की बात ही नहीं की, अपने माल की बात की है। तो जवाब दिया खबरदार ये माल मेरा है, मैं पूछूंगा तुझसे, जिसका काबा वो जाने काबा जाने। अबरा हमला करने आया और हुआ क्या, बस मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं अपने मतलब, एक बहुत बड़ा नतीजा दूंगा मैं। हुआ क्या, अबाबीलों ने अटैक कर दिया, क्या अबाबीलों ने अटैक किया, उनके पास भी कोई बंदूकें नहीं थी, वो एटमी ताकत नहीं थी रुफान शाह जी, उनकी चोंचों में कंकर थे, कंकरों से कुरान का सूरह लहब पढ़ा करें, कंकर से कंकर फायर करके इतने कंकर मारे उन्हें, वो हाथियों को कुरान कह रहा है कि भूस चबाए हुए भूसे से बत्तर बना दिया, चबाए हुए भूसे से बत्तर बना दिया मेरे दोस्तों। और उन्हीं अबाबीलों में से एक अबाबील को मैसेज आया जिब्रील के जरिए से, ओ अबाबील अपनी चोट का कंकर संभाल कर रख, अपनी चोट। अबाबील कितनी बड़ी होती, शायद आपने देखी हो, मैंने सुना है देखी नहीं है,
अल्लाह दिखाए भी ना। बहरहाल तो उसने उसको कहा कि अपनी चोंच का कंकर पत्थर रिजर्व कर ले, असला रिजर्व रखा जाता है ना। अब जो अब तक नहीं बोले इंशाल्लाह वो अपना सीना फाड़ के बोलेगा, अली कहते हैं उसे आप लोग खुद बनवाता हो और मकाम पे काम आ सकता है। पहुंच गए मेरे मुमिनी, किसी और मकाम पे काम आ सकता है। जब गदीर के मैदान में अल्लाह का दुश्मन नहीं था, अल्लाह के दुश्मन सारे बहादुर में, बदर में, उहद में, खैबर में, खंदक में जितनी जंगें आई थी एक ही मर्द ने मारे जिसे अली कहते हैं। चीखती रह गई, लंगर खुल गया, मगर रुका कोई नहीं। कुरान ने मैंने कहा कि मैदान जहाद में भागने वाले घोड़ों की कसम खाई है दौड़ने वाले, मैदान जहाद में सरपट दौड़ने वाले, सर्राटे फड़ने वाले, मैदान में भागने वाले, मेरे अल्लाह ने मैदान से भागने वालों की कसम नहीं खाई। उच्चा बल के दिल खोल के माशाल्लाह जाफर भाई हसरे मेरी बात समझ गए, सारे जानते खैरपुर वालों, मुझे मैं भी खैरपुर का हूँ। तो उसने कहा कि जी वो ये दो बातें जो है ना मेंबर पे ना बहस की जाए, एक अली वलीला, दूसरा खून का मांग। मैंने कहा बेटा सबर कर, खमीर तेरा भी इसी से, डालों की चमक कुछ दिन हुआ करती, रियालों की धमक कुछ दिन हुआ करती, थोड़े दिन सबर कर। थोड़े दिन गुजरे ना, पंजाब आए, जज्बात में आके खिताब किया, FIR कट गई। अब क्यों कर दिया, अब नया क्लिप आया है मेरे मोबाइल में, बड़े व्हाट्सएप रात भी आया उनका व्हाट्सएप, मैं जवाब भी दे देता, इसलिए कि मेरा तल उससे है जो अली का है, जो आल का है, जो माल का हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे व्हाट्सएप आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन सबर करो। अब तो कह रहे कोई जरूरत नहीं है इख्तलाफी मौजूद। भाई इख्तलाफ की बात है, इख्तलाफ बनाना और बात, इख्तलाफी होना और बात। रुएत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने बदबूदार छोड़ी नहीं इजलास में। तो इरफान दो मिनट मिल जाओ, आप तो आप मेरा आगे बुला के बुलाऊ ताकि बाहर में देखे, सब 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 कुछ सेट होगा। आप मुझे इशारा करने का वहीं से बस काम शुरू कर दूंगा। तो मिलकर सलात में भी पढ़ लेते मामला में। जुलजना बरामद करने वाले को लोग अक्सर कहते घोड़े था, और हमारे लाहौर के सैयद बादशाह के नकवी सैयद मेहदी भाई जानते, वो इस बात को फख्र करते थे। इतने बड़े अदादार थे कि 9 मुहर्रम को वालदा या वाली का इंतकाल हुआ, ताला लगा हुआ है कि मौला का जुलूस बरामद हो जाएगा फिर मैं जनाजा करूंगा। ऐसे अदादार हमें चाहिए। तो हुआ क्या बुजुर्ग मोहतरम, हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ये मौजूद डिस्कस न किया करें। जब उन्होंने कहा तो रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन को भी पुराने बुजुर्गों की याद आ गई, उसने भी सरकारी ओहदेदार होने के बावजूद मीडिया पे बैठकर कॉन्फ्रेंस कर दी कि नऊज़ु बिल्लाह अली वलीला दहशत गर्दी वाली अजान है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं शुक्र गुजार हूँ अहले सुन्नत के अकाबरीन का जिन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और उन्होंने कहा कि हम क्या, हमसे तो कवाल अच्छा है जो कहते चला गया आज नहीं तो कल सारे अली वली से। तो सलामत मेरे
को जरूरत नहीं बिस्तर, अब कह रहे हम अलीन वलीला नहीं छोड़ेंगे। नतीजे की तरफ आ रहा हूँ, अलीन वलीला नहीं छोड़ेंगे, खून का मातम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा भाईजान अगर एफआईआर कटने के बाद अली को मानो तो क्या मानो? आपने सुन लिया ये किसकी बोली है? एक फकीर की बोली है जिसने कहा अलीनुल्लाह हमारी अकीदे की जान है, जिसे बिदत कहना शेव मरवान है, आजादारी इबादतों की रूह है, सजी रूह आजादारी है। ये अकीदे हैं हमारे विलाय अली अजाय हुसैन हुरमत सादात एहतराम मर्जे को मरकजियत, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो जो है हजरत, तो मैंने कहा भाई बात सुनो, जहाँ तक घटाने की बात है, मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत कादुल कलाम शायर हैं, हालांकि बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, खबर भाई मेरे लिए आगे से दुआ कराएं। जब से मैंने शेर लिखा है मुझ पर लाखों लोगों को पैगाम आ रहे हैं, ज़्यादा पैगाम दुआओं के, मगर मुझे फ़कीर की दुआ भी चाहिए। शेर मैंने पढ़ा है, हर जगह पढ़ रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए नया होगा, जिन्होंने सुन रखा उनके अकीदे पे एक मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी। क्या कि बुग़्ज़े अली में कितनी घटा हो गए तुम्हारा बुग़्ज़े अली में कितनी घटा हो गए तुम अजा? अरे अकबर भी तो अली ही के पोते का नाम है। खराब हो जाता, जिसकी माँ के दूध में अली अली की रोली पड़ी हो वो कहा तो रात में दो तरह दिन मस्जिद पढ़ रहा था, एक बच्चा सबील पे ला रहा था, मेहदी भाई मेरे साथ थे, ये चले गए गाड़ी पार करने, मैं चला गया सबील पे, मैंने सबील भी छोटा इतना छोटा बच्चा था कि जग में से गिलास में नहीं डाला, सबील गिलास में डाल नहीं जाते। मैंने कहा बेटा, उन्होंने मैंने जो प्यार किया सबील की, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? मिंबर पे खड़ा हो झूठ बोलो जबान बंद हो जाए, लेकिन जिनके अकीदे में माँ की तहारा शामिल है मेरी बात को वजन देके सुनिएगा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहते है, मेरा नाम है अली अजान। नहीं समझा? अभी नहीं समझा? काश मेरी फीस 70,000 होती कि मेरा नाम है अली अजान। मैंने मिंबर पे आके कहा जिस कौम के बच्चों का नाम अली अजान हो वो अली को अजान से कैसे निकाल सकते? अपने हो के भी अली में शक करती, मुझे उनमें शक है। अली से बहुत अगर है तो फिर नमाज ना पढ़ो। मेरा भाई इरफान शाह नमाजी है, शब जिंदादार है, दुआएं पढ़ता है, नेक वालदैन की औलाद है, इनके बच्चे नमाजी हैं, हम सब नमाजी हैं, लेकिन हम किसी के खौफ से नमाज नहीं पढ़ते। मैं कह जो नमाज पढ़ा करो मातमी हो, नमाज पढ़ा करो इसलिए कि दुश्मन बड़ा मक्कार है तुम्हारा, उसने डॉलर खर्च करने शुरू कर दिया, मातमी तक को खरीदने शुरू कर दिया। लेकिन याद रखिएगा मातमी बिक भी गए तो मातम बदली हो, और वो मातमी नहीं जो बिक जाए, वो मातमी हो ही नहीं सकता बिक जाए, इसलिए कि जो जुलजना को प्यार करता है, जो जुलझने की बात पकड़ता है उसको वफा का पता है। मेरे दोस्तों मैं एक शेर की इजाजत और चाहूंगा, एक मिसर पढ़ चुका हूँ दूसरा पढ़ना है अगर इजाजत दें आप, कि अली से बुग्ध अगर है, हो सकता है ना बुग्ध,
हो सकता है ना, हो रहा है, आप यकीन करें या ना करें, वो है अली को, अली का खाक अली को भौंकना शुरू कर दिया। अली से बुग्ज अगर है तो फिर नमाज ना पढ़, नमाज अल्लाह की है ना कभी, अली से बुग्ज अगर है तो फिर नमाज ना पढ़, अली से बुग्ज अगर है तो फिर नमाज ना पढ़, उसे नहीं है जरूरत हराम सजदों की। हम नमाज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? मेरे शहरपुर के शायर है, चार मिसरे याद आ गए उनके, ये समझ के हुक्म शरीयत नमाज पढ़ता हूँ, बामल अज़ादार बनिए ताकि दुश्मन को जवाब दे सके। समझ के हुक्म शरीयत नमाज पढ़ता हूँ, हुसैनियत की बदौलत नमाज पढ़ता हूँ, और मुसल्ला सहकर जला कर नमाज जिसने पढ़ी मैं उस पर भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। अली के बगैर कुछ नहीं है, हक दा इमाम भैया। मैंने पांच उसूल बता दिए, मैं इख्तिताम पे आ रहा गुफ्तगू के, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, और जहाँ बरामदगियाँ हों मैं सराय भी कम पढ़ता हूँ, भाई का हुक्म था उतना मैं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा एक दिन और आ जाएंगे उसी बयान होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी तारीख बताऊँगा जुल्दना की अगर इजाज़त देंगे। जो अकीदा मैंने बयान किया है, ये आपका भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है, हमारे माँ बाप का अकीदा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नस्ल से चला आ रहा है। तो इन अकायद पर कायम रहना चाहता है, नमाजी परहेजगार बन के हाथ उठा के लगाया सारतुल हुसैन, हुआ क्या? मेरे मौला अली को पैगाम आया कि आपके रसूल भी आते थे, आप भी आइए तबलीग भी कीजिए, हमारे सारे इलाके आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आज़ाद कराए थे, आइए सालाना तबलीग है, जाते ना लोग तबलीग के लिए, आप आइए। मेरे मौला अली तशरीफ ले गए यमन, जब यमन तशरीफ ले गए, यमन का बादशाह बाहर आया इस्तकबाल के लिए, सर इस्तकबाल इतना इस्तकबाल में मौला अली का हुआ, थे जो अली निशा थे ना हाजत आवाज, आप भी पुकारें सारा अली मदद करेंगे, आप नहीं पुकारेंगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन मौलाना सरबास जैदी ने कहा था कि सखी वही है, सखी वही है जो साइल से रद्द कद न करे, कोई सवाल करेगा तो उसको रद्द न करे। मैं एतराज तेरा किस लिए करूँ तस्लीम, जागना, मैं एतराज तेरा किस लिए करूँ तस्लीम, अली अली ही नहीं है अगर मदद न करे। अली यमन वालों की मदद के लिए पहुंचा तबलीग दीन की, काफी लोग आगे रहे रास, बाबा भी जाते थे, रसूल भी जाते थे, सारे जाते थे, मेरे मौला अली गए। तो यमन के बादशाह ने बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल दिया बाद में, बड़ा इस्तकबाल किया मौला का, और इतने ढायब दिए मौला को, अली हैरान परेशान, ये क्या किया आपने, इतने ढायब। वो यमन का बादशाह कहता है सरकार ये ढायब है यमन वालों की तरफ से, ढायब किसकी तरफ से, अहले यमन आप जाती तोहफा भी दें। अल्लाह, मेरा जहन परवास कर रहा है मौला की तरफ, काश मेरा साथ आप दें। सरकार ये सारे तोहफे अहले यमन के ऊंटों की कतारें थी, एक जाती तोहफा भी दे रहे मौला फरमा, क्या तोहफा है? दरबार में एक घोड़ी बुलाया, कहा कि ये घोड़ी नजीबुद्दीन अंबिया से नस्ल चली आ रही है, अंबिया के घोड़ों की नस्ल थी ना उनमें से, ये आपके लिए तोहफा है। मौला फरमाते अच्छा, इसे थोड़ा सा दरबार में चला के दिखाओ मुझे। बादशाह की समझ नहीं आई है मौला जी क्या कह रहे, इसे जरा चलाओ। घोड़ी चलती थी, चंद कदम चल के मुड़ के देखती थी, चंद कदम नहीं भाई चलती थी, वो मुड़ के देखती थी। मौला फरमाते कि क्या इसका कोई बच्चा भी है? आपको कैसे पता कि ये मुड़ मुड़ के देख रही है ना, मुझे ऐसा महसूस है इसका कोई बच्चा है पीछे। बादशाह बड़ा हैरान हो गया,
अकीदत उठा के साहब करामात घराना है, फजल कमलात का मरकज घराना है, कि हाँ सरकार बच्चा तो है मगर जब से पैदा हुआ बीमार है। किताब है जुलजना भी नाम लिखता, इसके अलावा 8-10 किताबें घर वाले और हैं, अहले सुन्नत किताबें भी हैं। नाम क्या है इसका सरकार? इसका नाम है मुजल्ली, इसका नाम है मुजल्ली। अच्छा बच्चा उसकी कैफियत क्या, उसकी क्या बीमारी? तो जब से पैदा हुआ है उठता नहीं है, कभी कभी उठता है और बाहर निकल जाता है सहरा में, खादिम पीछे जाते हैं जाके टीले पे बैठ जाता है, बैठ के अपना सर टीले पे रख देता है, उठाता नहीं सलाम। जिनके सीने में कब्र हुसैन में उनसे मुखातिब हूं, सर नहीं उठाता, रोता रहता है और कुछ ऐसे बैन करता है किसी की समझ नहीं आते, उसे ले आओ मैं उसी को लेने तो आया हूं। नाम क्या है? इसका नाम मुर्तजी है। इरफान साहब की फरमाइश पूरी हो गई है, अब मेरा दिल चाहता है कि थोड़ा सा सुन लें कि गरीब की सवारी की क्या अहमियत है। मुर्तजी ले आए मौला, उसे लेके मदीने आ गए, मदीने पहुंचे, जब अपने घर आए ना हुसैन को बुलाया, प्यार किया, बेटा तुम्हारे लिए तोहफा आया, बेटा तुम्हारा तोहफा आया, मौला कहाँ, बाबा कहाँ पे है? अस्तबल में, बाबा मेरा तोहफा है तो यहाँ का, यहाँ ना चाहिए ना उसे, अब यहाँ पे ले गए। हुसैन बहुत छोटे थे अभी, बचपना है जाहिर तौर, लाया गया मुर्तजी को दरवाजे पहुंचा ना, मौला हुसैन बाहर आए, आप हैरान होंगे, लोग कहते हैं ये हैवान है, खुदा की कसम वाकई ये इंसान से बेहतर था, बचपन से तरबियत हो रही थी। आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं या अली को या हुसैन को, या आपकी माओ को सलाम है जो अपने बच्चों को सिखाती। एक मरतबा अदारो मुर्तजी आया, या तो चला नहीं जा रहा था, देखा ना दूर से हुसैन दौड़ा चला आया, आकर मेरे मौले के कदमों को चाटना शुरू कर दिया। हुसैन ने कहा अम्मा मेरा मेहमान है, खाली जाएगा, जहर की आवाज है इसे अंदर ले आओ, मैं चादर में इसे चोर खिलाऊंगी। मौले तुम तो कोई गम नहीं छुपाए थे, हुसैन ने कहा सात गुलाम बैठा हुआ था, मेरे मौला ने गुलाम के हाथ से रुमाल छीन लिया, अब मेरे दादा को रो रहा है, मुंह पे रुमाल रो रहा है, ऐसे रो जैसे को बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पे अपने सर के बाल खोल के रोती है। अगर उस इमाम को पुरसा दो, वफादार सवारी आने वाली है। मरतबा हुआ क्या, मेरे मौला हुसैन अजादारो किस तरीके से सुल्ताना ने मौला को बिठाया, मुर्तजी ने अजादारो खुद बैठ गया, खुद बैठ गया, मौला को सवार किया। जनाबे सैयदा फरमाती हैं ए मुर्तजी आज तुझे फातिमा ने अपने दादा में जौ खिलाए, जैसे यहाँ उतारा है ना ऐसे वहां भी उतारना है। अजादारो इतने तीर लगे मेरे मौला के, बस ज्यादा जहमत नहीं देना, अगर रोना रोना ना आए ना तो एक मरतबा आशीषा जी मौला आपको सलाम, कोई गम ना दे, कोई मर्द जाफर भाई इंशाल्लाह 25 सफर को जरूर मुझसे गुर्बत बयान होगी। किसकी गुर्बत होगी? वो मेरा मौला जिसका आप ताबूत बरामद करेंगे ना, वो मेरा इमाम अगर शहनशाह इमाम था, ये गरीब इमाम है। आज जिसका जुलजना बरामद हो
हजारों कितने जख्म लगे जब अकबर न रहे, जब अब्बास न रहे, जब ऑन मोहम्मद न रहे। अदाकारों सदाए गिरिया बुलंद कीजिएगा, जब इशारा करूंगा तब जुनून आएगा, जब जुनून आएगा मैं नुहा पढ़ूंगा आपके साथ। आपने वागर हाय हाय जरीबे करबला, हाय जरीबे करबला, खाली आया जुनना वावेला सद वावेला, हम सारे मिलकर कहेंगे वावेला सद वावेला। ये नुहा मेरा नहीं है, ये करबला उतनी जैनब का नुहा है। दादा एक बार तबाह मेरे मौला जुलजना पे सवार है। ददारो हमले करते जाते हैं, कभी बहन है बेटा, कभी कहते जालिमों तुमने मेरा अकबर भी मार दिया। उसने नहीं लिया बार बार खड़ा रहे। अरे रारो सिर्फ जुलजना बरामद करने वाले आ सकते हैं, बाकी सारे मेरे साथ करबला में चले। एक गरीब था, लाशे पे लाशे ला रहा था, शाम हो गई, शाम लाशों पे लाश ला चुके, बस ए हुसैन, बस तीरों पे तीर खा चुके, बस ए हुसैन, बस अरे कब्रे पिसर बना चुके, बस ए हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके, बस ए हुसैन, बस आखिरी जुमला है। अरे गर्दन झुका दो खंजर खूंखार के, गर्दन झुका दो खंजर सवाल किया था 10 मुहर्रम को, ये बताइए मेरे मौलों को कितने जख्म लग गए थे। मैंने माली सुबेन को खो लिया था दादा, मैंने फौरा चौक में कहा था वो दोहराना चाहता हूँ कितने जख्म थे। हजरत अनीस ने कहा था कि 1900 है जख्म, 1900 है जख्म, तने पास पास पर जैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। जख्मों से चूर मेरा इमाम है। अब मैं जंग नहीं पढ़ूंगा मौला की, इतना बताऊंगा हमला भी करते जाते थे, कहते भी जाते थे जालिम तुमने अकबर मार दिया, तुम मेरे कासिम के टुकड़े कर दिए, तुम मेरे अब्बास के बाजू, आओ देखो अली कैसे बनते थे। हाथे मदाबी की सदाई या हुसैन, तलवार नियाम में रख दो हुसैन। अदादार घोड़े से कैसे गिरे मैं नहीं बताऊंगा। अदादारो एक रिवायत है, जुलजना मौला कर रहा था, वे घोड़े से गिरे थे। इमाम बाखर से किसी ने पूछा था मौला जुलजना क्या कह रहा था, मेरे मौला ने कहा जुलजना कह रहा था ये कैसी उम्मत है जिसने अपने नबी के नवासों को गिरा दिया। सलामत है बस 2 मिनट की जहमत और है, इंशाल्लाह मेरे मौला का सभी बरामद हो जाएगी, ये सवारी आ जाएगी। ज़रारो मिलकर वैन करना, मिलकर गिरिया करना, और ऐसे मातम करना है जैसे सकीना ने किया था, जैसे जैनब ने किया था। अजरदारो हुसैन जीने जुलजना से जमीन पे आए। एक रिवायत पढ़ूंगा मैं, 2 रिवायत है सर, एक रिवायत है अल्लाह ने जमीन करबला को ऊंचा कर दिया, जमीन करबला को ऊंचा किया, जैनब ने क्या देखा